अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है समोसा। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू और मटर वाले समोसे। होपफुली आपको ये पसंद आएंगे। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 किलो आलू लेकर उन्हें उबाल लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। उबले हुए मटर 3/4 कप, सब्ज धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, 1/4 कप ऑनियन, अजवाइन 1/2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, दानेदार मिर्च 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो साबुत धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा कूट लें, और इन मिर्चों की जगह पे आप सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन लेकर उसे मैंने गर्म कर लिया है, उसके अंदर अजवाइन और ज़ीरा ऐड कर दूंगा और इसे अच्छे तरीके से भून लूंगा। मैंने अभी तक इसके अंदर ऑयल या कुछ और चीज़ ऐड नहीं की। इसे तकरीबन आधा मिनट के लिए भून लें। भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। आधा मिनट तकरीबन गुजर चुका है। ज़ीरा और अजवाइन अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगा और ज़ीरा और अजवाइन को दोबारा 15 से 20 सेकंड के लिए तेज़ आंच पर फ्राई कर लूंगा। ये फ्राई हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर आलू डालकर इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लें। चम्मच लगातार हिलाते जाएं ताकि जो ज़ीरा है वो ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम सारे मसाले ऐड करके दोबारा इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 15-20 सेकंड गुजर चुके हैं। अब मैं इसके अंदर सारे सूखे मसाले ऐड करूंगा और उन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्राई कर लूंगा। तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इन्हें तेज़ आंच पर फ्राई कर लिया था। अब ये तैयार हो गए हैं। इसके अंदर आप मटर ऐड कर लें और मटर ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 मिनट और से तेज़ आंच पर भून लें। ये मटर बॉयल्ड हैं इस वजह से ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आप बॉयल्ड मटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ी देर ज़्यादा भूनना पड़ेगा। अब हर चीज़ अच्छे तरीके से भुन गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा प्याज डाल दूंगा, लेकिन प्याज टोटल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्याज को ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आधा मिनट से 1 मिनट और हल्का सा फ्राई कर लें और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दें। समोसे की डो के लिए हमें चाहिए 4 टेबल स्पून देसी घी। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैं ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पर अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद 1/2 कप पानी ऐड कर लें। डो तकरीबन तैयार हो गई है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि डो नरम नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। अगर आपको लगता है कि डो सख्त है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। डो तैयार हो चुकी है। डो ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम। अब इसके ऊपर प्लास्टिक बैग रखकर तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे कवर कर लें। डो तैयार हो चुकी है। अब इसे छोटे छोटे पेड़ों के हिसाब से काट लें। 2 कप मैदे से तकरीबन 20 समोसे बनेंगे। ये जो डो का साइज़ है ये थोड़ा सा गुलाब जामुन के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसे आप अच्छे तरीके से बेल लें। पेड़ा मैंने बेल लिया है। अब आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर थोड़ा सा पानी लेकर हर
हर कोने पे लिखा होता है। अब कटे हुए दोनों कोनों को पकड़कर आपस में जोड़ लें इस तरीके से, और फिर ऊपर से दबा दें। अब कोन को अपनी उंगलियों में लें और से दोबारा से प्रेस कर लें ताकि अच्छे तरीके से जुड़ जाए। आप देख सकते हैं कि कोन तैयार हो गई है। अब आप इसके अंदर स्टफिंग करें, और जब आप स्टफिंग करें तो इसे बिल्कुल ऊपर तक नहीं पकना, इसके अंदर थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आप देख सकते हैं, इसकी फ्रंट साइड पे जहाँ पे हमने डो को आपस में जोड़ा था, बिल्कुल इसकी बैक साइड पे इस तरीके से उंगली रखें और बाकी दो उंगलियों की मदद से इस तरीके से इसे फोल्ड कर लें, और फोल्ड करने के बाद इसके साथ दुबा दें, इसे सही तरीके से प्रेस करें। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब भी वो समोसा बनाते हैं तो फ्राई करते हुए समोसा खुल जाता है। अगर आप समोसे को इस तरीके से बंद करेंगे तो ये कभी भी नहीं खुलेगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, दोनों कोनों को पकड़ लिया, इसे फोल्ड कर लें और इस तरीके से आप इसे प्रेस कर लें। अब आप इसके अंदर फिलिंग करें, और फिलिंग बिल्कुल ऊपर तक आपने नहीं भरनी। उंगली को यहाँ पे रखें और बाकी दो उंगली की मदद से इसे फोल्ड कर लें इस तरीके से, और आप अपने से यहाँ पे प्रेस नहीं करना। हल्का सा यहाँ पे रखकर दोनों फ्रंट और बैक हिस्से को आपस में मिलाकर जोर का दबाते हैं। इंशाल्लाह ये समोसा खुलेगा नहीं फ्राई करते हुए। मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर मीडियम आंच पर इसे गर्म कर लिया था, और अब इसके अंदर समोसे डालकर इसे फ्राई कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि समोसे बिल्कुल ऑयल में अच्छे तरीके से डिप है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइडें चेंज करते रहें। आप देख सकते हैं कि इनका कलर हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया। तकरीबन मुझे 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं और समोसे अच्छे तरीके से पक गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ऐसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।